हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टनिंग दुनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें सुनकर आप शायद हक्का बक्का भी रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। नंबर 10, दोस्तों इस धरती पर अगर कोई सबसे खतरनाक जीव है तो वो इंसान ही है, और इंसान को सबसे खतरनाक उसका दिमाग यानी मस्तिष्क ही बनाता है। शायद आप जानते हो कि हमारा दिमाग न्यूरॉन्स में हो रहे सिग्नल ट्रांसमिशन की वजह से ही काम कर पाता है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रांसमिशन की स्पीड लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर है। न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिशन के साथ साथ हमारे ब्रेन में हर सेकंड लगभग 1,00,000 केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती हैं, जिनका होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से एक रिएक्शंस भी होना बंद कर दे तो शायद आप जीवित भी ना रह पाए। नंबर 9, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन इस धरती पर सबसे लार्जेस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी वाला एकमात्र बॉडी ऑर्गन है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सुनकर आप शायद चौंक जाओगे। ब्रेन का स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्स 2.5 पेटाबाइट का होता है, जो कि 25,00,000 GB के इक्वल होता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में 2.5 पेटाबाइट का स्टोरेज पूरी तरीके से यूज कर पाते हैं। लेकिन कुछ जीनियस और साइंटिस्ट लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी का पूरी तरीके से यूज कर पाते हैं, लेकिन उनके लिए भी ऐसा करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग इंसान कुछ समय के बाद चीजों को धीरे धीरे भूलने लगता है, अगर वो उन्हें रेपिटिशन में ना रखे तो। नंबर 8, अब आप जरा इसे देखिए, ऐसा लगता है कि किसी पत्थर के अंदर आग लग रही हो, है ना? पर ऐसा नहीं है। दरअसल ये हेला नाम का एक फ्रूट है, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंदर से जल रहा हो। और हम जानते हैं कि एनिमल्स और इंसेक्ट्स आग से दूर रहते हैं, और इसी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इसे कोई भी एनिमल या इंसेक्ट खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। नंबर 7, वैसे अगर मैं पूछूं कि सिर में दर्द होने पर आप क्या करते हो, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि टैबलेट्स लेते हैं या फिर हेड मसाज करवाते हैं, राइट? पर चलिए थोड़ा हॉलैंड के लोगों से पूछते हैं। दरअसल हॉलैंड में हेडेक होने पर लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, और ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं। अब आप पूछेंगे तो कैसी आइसक्रीम, तो चलिए बताते हैं आपको। असल में हॉलैंड में कुछ आइसक्रीम को बनाते समय फ्लेवर्स के साथ साथ उनमें पैरासिटामोल पाउडर भी डाला जाता है, जिसे खाने से हेडेक भी दूर हो जाता है और आइसक्रीम का आनंद भी इंसान ले लेता है। नंबर 6, आपने मार्केट्स में अक्सर सर्दियों में भी आम बिकते देखे होंगे, या तरबूज और खरबूज को भी सर्दियों में बिकते देखा होगा। पर कभी सोचा है कि ये फ्रूट्स ऑफ सीजन कैसे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट्स में फ्रूट्स के ऑफ सीजन अवेलेबल होने के रीजंस 2 होते हैं। पहला ये कि जहाँ पर ये फ्रूट्स अवेलेबल हैं वहाँ से हम इन्हें इंपोर्ट कर लें, और दूसरा होता है कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल फार्मिंग टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बनाकर एक सूटेबल टेम्परेचर और सनलाइट देकर किसी भी चीज को किसी भी सीजन में उगा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव और किफायती तरीका है फार्मिंग का। इसमें ना तो ज्यादा लागत आती है और ना ही ज्यादा वाटर वेस्ट होता है, और तो और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, जिससे कि हमें साफ सुथरी और हेल्दी चीजें खाने को मिल पाती हैं। इसकी किफायत को देखते हुए यह इंडस्ट्री फ्यूचर की $1 बिलियन इंडस्ट्री साबित हो सकती है। नंबर 5, दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो है विक्टोरिया अमेजोनिका नाम का एक फ्लावरिंग प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स का साइज काफी बड़ा होता है, और इसकी खास बात ये है कि ये पत्ते 50 किलो वेट तक को आसानी से झेल सकते हैं, और 50 किलो के वेट के साथ ये आसानी से पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों आपने मेंढक तो कई तरह के देखे होंगे, पर क्या आपने कोई ऐसा मेंढक देखा है जो कि लाइट एमिट करता हो? तो जरा आप एक बार इस पर नजर डालिए। यह है पोलैंड के क्रूब्ड फॉरेस्ट में पाए जाने वाला लाइटनिंग फ्रॉग। हालांकि इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, पर फिर भी ये रात में लाइट एमिट करते रहते हैं। पर कैसे? दरअसल ये मेंढक जिस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वहाँ फायरफ्लाइज यानी जुगनू भी भारी मात्रा में मिलते हैं, और जब ये मेंढक इनको खा लेते हैं तो उन फायरफ्लाइज के चमकने की वजह से ये मेंढक भी लाइट एमिट करते रहते हैं, है ना एकदम अमेजिंग। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे top 3 फैक्ट्स की तरफ। नंबर 3, दोस्तों बिल गेट्स को आज कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम शुमार है, पर अपने बचपन में वो भी एक शरारती बच्चे हुआ करते थे। उनके स्कूल टाइम का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। दरअसल जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब एग्जाम टाइम में सिटिंग अरेंजमेंट टीचर्स नहीं बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स करा करते थे। बिल गेट्स ने अपने स्कूल के सिस्टम्स को हैक कर लिया था और कुछ इस तरह से उनमें चेंजेस किए थे कि उनका सिटिंग अरेंजमेंट लड़कियों के बीच में कहीं सेट हो जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनकी सीट एक ऐसी क्लास में फिक्स हुई जहाँ पर पूरी क्लास में वही एक अकेले लड़के थे और बाकी सारी लड़कियाँ थीं। मतलब प्लान सक्सेसफुल, आफ्टर ऑल मैन विल बी मैन। नंबर 2, आउट ऑफ सिंक।
दोस्तों, ये ब्रेन की एक ऐसी कंडीशन है जिसका सीधा रिलेशन आपकी हैंडराइटिंग से होता है। एक रिसर्च में सामने आया है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग साफ नहीं होती वो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि उनका दिमाग आम लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन इतनी ज्यादा तेजी से कमांड देता है जिससे कि वो अपनी हैंड की स्पीड को ब्रेन कमांड के साथ मैच नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि उनकी हैंडराइटिंग साफ नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स की राइटिंग समझना, बाप रे बाप, ये टैलेंट तो बस मेडिकल स्टोर्स वाले भैया में ही होता है। नंबर 1, प्रोफेसर राममूर्ति नायडू। दोस्तों, ये वो शख्स हैं जो हमारे बॉडी बिल्डर्स युवाओं की प्रेरणा बने हुए हैं। इन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन शुरू कर दिया था। ये पहलवानी, कुश्ती, योग, व्यायाम, सर्कस आदि कलाओं में काफी पारंगत थे। योग ने इनके फेफड़े इतने मजबूत कर दिए थे कि ये अपनी छाती पर लिपटे हुई लोहे और स्टील की मोटी जंजीरों को मात्र छाती फुलाकर ही तोड़ दिया करते थे। और अपनी छाती पर इन्होंने हाथी को भी खड़ा कर लिया था, और तो और करीब 50 लोगों से लदी हुई गाड़ी को अपने ऊपर से उतरवा दिया करते थे। स्पेन की बुल फाइट में भी अनुभव ना होते हुए इन्होंने हिस्सा लिया और उसमें जीते भी थे। चलती हुई गाड़ियों को, बड़े वाहनों को वो चेन से बांधकर एक ही जगह पर रोक देते थे। उनके इन कारनामों को देखते हुए किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने इन्हें कलयुग का भीम और इंडियन हरकुलस जैसे नामों से नवाजा था। इनके बारे में जानकर तो मैं भी हक्का बक्का रह गया था। इन्हें जानने के बाद मुझे गर्व हुआ कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जिस देश में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। वेल, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो या कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करो, दबा के शेयर करो, और साथ में जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।